हेलो फ्रेंड, हाय, मैं सुनील खजूरिया आज अपने चैनल के माध्यम से आपको एक इतना छोटा कोलू दिखा रहा हूँ जो अपना 10x12 का है और उसमें साइड पुली थोड़ी सी बड़ी लगा दी है, जिससे आप देखते हो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। वहाँ गन्ना देखिए, चारों तरफ गन्ने ही गन्ना है और यहाँ गन्ना काफ़ी पतला है लेकिन बहुत अच्छा गन्ना है, 10 फिट के करीब गन्ना है। और यहाँ देखिए गन्ने की स्पीड कितनी दिखाई दे रही है, कोलू की जो स्पीड है वो कितनी हाई स्पीड है, देखिए आप देख सकते हैं जूस कितना निकल रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ जूस को ले जाया जा रहा है और वहाँ टैंक में डाला जा रहा है जहाँ गुड़ बनना है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों को भी बताना कि एक इतना छोटा सा प्लांट जो बहुत कम पैसे में लग जाता है और बहुत ही अच्छा आय का साधन है, अपन इस पे कहीं भी छोटे सी जगह में लगा सकते हैं, कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है और कोई भी खतरा नहीं है। इसमें अपन एक साधारण बिजनेस कर सकते हैं और इस बिजनेस से बहुत अच्छी आय होती है। और चाहें तो इसको हम लाइट से भी चला सकते हैं, पर यहाँ लाइट की कमी होने के कारण यहाँ जनरेटर से चलाया जा रहा है। देखिए जनरेटर चल रहा है, डीजल से चलाया जाता है और यहाँ बहुत सारे लोग अपना गन्ना लेके आते हैं और गन्ने के रस से गुड़ बनवा के ले जाते हैं। जो भी पैसा लगता है वो यहाँ उनको किराए समेत देना पड़ता है। गन्ना यहाँ काफ़ी छोटा है, पतला है, तो रस देखिए आप कितना अच्छा निकल रहा है, वाइट कलर का रस निकल रहा है देखिए, और ब्लैक कलर का नहीं है क्योंकि काला गन्ना होता है तो रस भी उसका थोड़ा सा काला हो जाता है, पर यहाँ वाइट कलर का गन्ना है इसलिए उसका जूस भी एकदम वाइट निकल रहा है, ऑरेंज जैसा। और देखते रहिए वीडियो को, बहुत काफ़ी वीडियो लंबी मैंने बनाई है क्योंकि एक छोटे से कम आय, छोटे से कम पैसे में अपन एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें अपने परिवार के बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। उनको आप चाहो तो घर के आदमी को भी रोज़गार दे सकते हैं और चाहो तो अपन जिस गांव में रहते हैं वहां के आदमियों को भी रोज़गार दे सकते हैं। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी की पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। शाम को खाना खाने के बाद आदमी लोगों को गुड़ खाना चाहिए जिससे उनका पेट और खाना दोनों पच जाते हैं। तो गुड़ का हमारा व्यापार इसलिए अधिक है क्योंकि पुराने ज़माने में हाजमोला की गोली तो नहीं हुआ करती थी और व्यक्ति लोग बाज़ार में जाते थे तो वहाँ पर रोडें कम हुआ करती थी जिससे धूल उड़ती थी और उस धूल से उन लोगों को बहुत एलर्जी वगैरह हो जाती थी, पर वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज उसका तोड़ उन्होंने निकाल लिया है कि गुड़ खाने से हमें शरीर की सफाई भी हो जाती है और आजकल कोरोना वायरस जो चल रहा है उस कोरोना वायरस में आदमी लोगों को अपने फेफड़े और गले और नाक साफ रखने के लिए इस गुड़ का उपयोग शाम को ज़रूर करना चाहिए जिससे उनको एक अच्छा डाइजेशन मिलता है और खाना भी अच्छा पच जाता है। गुड़ देसी खाएं, उसमें कोई मिलावट ना हो। देखिए ये गुड़ जो बन रहा है ये बिल्कुल साधारण गुड़ है, इसमें कहीं भी कोई भी तरह का कोई केमिकल या कोई तरह का सल्फ सोडा या और किसी चीज़ का केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे। बस समय समय पर कोलू को नीचे जहाँ से जूस आता है वहाँ सफाई की ज़रूरत होती है क्योंकि बकास उसके जो छिलके होते हैं वो भर जाते हैं और जूस बगल में गिर जाता है। तो देखिए यहाँ कितना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, काम करते हुए ना तो थक रहे हैं, अपने आराम से काम चल रहा है और घर का काम है इनका, तो ये देखिए कितने मन से करते हैं। यहाँ अभी छोटा सा लगा हुआ है इनका, अभी ये लोग भी बड़ा प्लांट लगाने के उसमें हैं क्योंकि जब छोटा प्लांट व्यक्ति लगा लेता है तो एक सीजन चलने के बाद उसे लगता है कि नहीं काम बहुत अच्छा है, तो वो छोटा प्लांट अपना ख़त्म करके
बड़ा प्लांट ले लेता है, और ऐसे बड़े प्लांट में आगे की इनकी प्रोसेस बड़े प्लांट की है जो मैं इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी इन्हों से बोला है कि जो सीजन अब ख़त्म होने पे है तो आप इस सीजन का पूरा पूरा फ़ायदा लो, और जहाँ भी आसपास जितना भी गन्ना है उसको अपने कोल्हू के माध्यम से गुड़ बना लो, जिससे आपको पता चलेगा। और आपको जो नया मैं कोल्हू क्रेशर देने जा रहा हूँ या बड़ा वाला कोल्हू स्टील वाला ले रहे हैं 18x18 का, और उसका थोड़ा सा रेट भी मैनू अच्छा है, और रेट अधिक ना होने के कारण हर व्यक्ति उसको लगा सकते हैं, और उससे इससे और अधिक उनकी आय बढ़ जाएगी, वहाँ पर मजदूरी भी बढ़ जाएगी। और ये गन्ना देखिए आप, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन व्यक्तियों के पास काम नहीं है वो व्यक्ति लोग ये छोटा सा उद्योग अगर लगाएं तो 1 लाख रुपए में ये पूरा उद्योग लग जाता है। मैं कोल्हू और जनरेटर और इसमें जो लगती हैं 3 कढ़ाए वो भी लग जाते हैं, और इसमें जलने वाला ईंधन इसी गन्ने से प्राप्त होता है। 1-2 दिन के बाद ये गन्ना सूख जाता है और वो जलाने के काम में आ जाता है। हमें बाज़ार से कोई भी ईंधन खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, तो इन्हीं गन्नों से रस निकलता है और फिर यही ईंधन जलाने से हमारा गुड़ पक जाता है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों से यही कहूँगा कि गुड़ बनते समय प्रोसेस भी देखें, और सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, और वीडियो में अगर कोई कमी है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर किसी व्यक्ति को यह प्लांट लगाना हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और मैं उसकी सेवा में 24 घंटे अटेंड रहता हूँ। उसे कभी भी दूसरे कॉल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका एक कॉल में ही संतुष्टि भरा जवाब उसको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। अब क्या करना है? स्टॉप करो।